हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीआईटी क्लासेस। आज हम इलस्ट्रेटर किस क्लास में ड्रॉ करने वाले हैं मंडाला आर्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह से हम कुछ डिज़ाइन तैयार करेंगे और इसको डिज़ाइन करने का तरीका बहुत ही आसान है जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में आ रहा हूँ और इसमें पिक्सल्स और यहाँ पर हम 1000 बाय 1000 का एक आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल आर कर लेते हैं ताकि रूलर आ जाए हमारा ऊपर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी ये पिक्सल्स में है। तो हम जाते हैं आर्टबोर्ड टूल पर, जिससे कि आर्टबोर्ड टूल से हमारे सेंटर पॉइंट आज आपको दिखाई देंगे यहाँ पर और यहाँ, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो इसी तरह से मैं गाइडलाइन इन पर ला कर रख लेता हूँ एक, और यहाँ से यहाँ पर गाइडलाइन। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन गाइडलाइंस पर ही। यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए और शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसका स्ट्रोक ब्लैक कलर का है अभी और वन पॉइंट है, तो मैं इसको रेड कलर में दे देता हूँ फिलहाल। ठीक है, रेड कलर दे दिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये लाइन है, इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम अलाइन पर जाते हैं, और अलाइन में जाने के बाद यहाँ से हम सेंटर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कॉपी कर लीजिए इसकी एक और इसको पेस्ट इन प्लेस कर लीजिए, या फिर पेस्ट इन फ्रंट भी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ इसको इस तरह से रोटेट कर लीजिए। अब फिर से आप एक बार इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी, अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अभी भी ये थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये गाइडलाइन आप चाहो तो आप हटा सकते हो या कंट्रोल सेमी कोलन कर सकते हो। ठीक है, इसको आप पूरे को सिलेक्ट कर लो, लेयर्स पे आ जाते हैं। लेयर्स पे आने के बाद, या फिर आप इससे भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आप आ जाए इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म आने के बाद मैं इसकी एक कॉपी कर रहा हूँ अभी, और इसको मैं किसी न किसी एंगल पर रोटेट कर रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसको 10 डिग्री पे अगर रोटेट करता हूँ, तो आप प्रीव्यू ऑन कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये एक और रोटेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो मैं अगर 15 पर करता हूँ तो इतना डिस्टेंस हो रहा है। अब मैं कॉपी थोड़ी बढ़ा कर देखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कॉपीज अगर करते हैं तो यहाँ तक ये इस तरह से आ रहा है। 5 कॉपीज़ करता हूँ तो ये पूरा का पूरा इस तरह से आ रहा है। ओके, तो मैं इस बार ओके कर देता हूँ। एक बार 4 कॉपी कर लीजिए, लेकिन 4 में भी एक लाइन कम रह रही, तो मैं 5 ही करता हूँ। उसके बाद इसको आप ऑल्ट शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ताकि जो यहाँ से आपका लाइन छूट रही है, पूरा आर्टबोर्ड पर नहीं आ रही है, वो पूरी आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ इस लेयर को यहीं पर। अब ये लेयर एक तरह से इस आर्टबोर्ड का एक हिस्सा हो गई, यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता इस आर्ट, इस वाली लेयर पे। अब आपको नई लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी, और इस नई लेयर के लिए यहाँ पर आप इसको नाम दे सकते हो मंडाला
इस पर मंडाला वाले लेयर पर मैं अपना मंडाला क्रिएट कर लूँगा। तो उसके लिए आप फिर से आपको एक बार वही स्टेप दोहराने होंगे, जैसे लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है और इसको आप चाहो तो ब्लैक कलर दे सकते हो अभी, और इस ब्लैक कलर वाली लाइन को अलाइन सेंटर कर लीजिए। यहाँ पर अलाइनमेंट है, पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड सेंटर कर लीजिए, इसको आर्टबोर्ड पर सेंटर में आ जाए। और इसके बाद एडिट में जाकर कॉपी, और एडिट में जाने के बाद पेस्ट इन प्लेस, और 90 डिग्री पर आप इसको रोटेट कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया ब्लैक वाली लाइन, ये आ गई। तो ये जो मेरी ब्लैक लाइंस क्रिएट हुई हैं वो इस पर क्रिएट हुई हैं, और मैं अब क्या करता हूँ कि कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसकी फिडेलिटी दे चेक कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने बना लिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक बार, ये जो गोल सा सर्किल दिख रहा है लेयर में, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जितना भी इस लेयर पे कंटेंट है वो सबको सिलेक्ट कर लेगा, और यहाँ से आप डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे दोबारा आ जाएं। और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद ट्रांसफॉर्म पर हम जाते हैं और रिफ्लेक्ट एक्स करते हैं, यहाँ से प्रीव्यू ऑन करते हैं और इसकी एक कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर ली है। उसके बाद दोबारा से आप वहीं चले जाएं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से आप पहले प्रीव्यू ऑन ही करें, फिर यहाँ से एक कॉपी, और यहाँ से रोटेशन थोड़ा सा रोटेट करके देखिएगा, तो आपको नया जो एक तरह से नए एंगल पे आपको एक और इसकी कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसको एग्जैक्ट मैच हो रहा है या नहीं, तो जितना भी यहाँ पर जैसे 30 डिग्री पर अभी ठीक आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कॉपीज़ बढ़ाकर और देख लेता हूँ। जैसे मैं 12 अगर इसकी कॉपी करता हूँ तो यहाँ तक पूरा का पूरा ये एंगल हो रहा है, अगर मैं 10 करता हूँ तो ये एक कम हो रहा है, अगर 11 करता हूँ तो पूरा का पूरा बन रहा है इस तरह से एक फ्लावर टाइप। तो मैं इस पर ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको मास्क करना है ताकि ये जो लाइंस हैं इनको हम नहीं शो कराएं, हटा सकें। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। पहले आसान तरीका ये है कि रेक्टेंगल आप बना लो और उसको ये मैंने बना लिया, इसको अब माइनस प्रेस कर लो, डिलीट एंकर पॉइंट, यानी कि इसको हम इसको माइनस कर देते हैं, और एंकर पॉइंट है यहाँ का डिलीट कर दिया है मैंने। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाने के बाद आप इस पर क्लिक करिए, और इतने को पार्ट को आप जितना मैंने बनाया था ड्रॉ किया था उतने पास को मैं इसके अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लेयर के अंदर, मैक या रिलीज क्लिपिंग मास्क, इस पे आप क्लिक कर लीजिए, तो ये जितनी भी लाइंस होंगी ये सब ब्लैक वाली चली गई। कहीं कहीं आप देख सकते हो एक के बाद एक लाइन आ रही है, तो इसके लिए आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लो। ठीक है जी, कि कहाँ से आपकी ये लाइन जाएगी, ये लाइन इस वाले, इसको तो हमें यहीं रखना है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये चली गई यहाँ से, लेकिन ये जा रही है तो यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा सा डिस्टेंस हो रहा है, तो इसकी इसको आप थोड़ा जूम करके एडजस्ट कर लो, यहाँ रख लो आप इसको, आप माइनस करते हैं आप कंट्रोल, तो अब ठीक है ये, इट्स फाइन।
ठीक है, तो आप जो भी कुछ आपको बनाना है, जो ये मेरा क्लिपिंग मास्क वाला जो एरिया है, इसी के अंदर आप बनाओगे तो खुद बहुत जनरेट होता रहेगा आपका पूरा का पूरा ये मंडाला। चलिए मैं इसको माइनस हूँ, थोड़ा सा भी यहाँ से प्रॉब्लम कर रहा है, हल्की सी लाइन इधर आ रही है तो मुझे देखना पड़ेगा इसमें कुछ। अब नहीं आ रही, आई थिंक थोड़ी सी आ रही अंदर। चलिए ठीक है, इसको हम अब बना लेते हैं। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बना लेता हूँ। यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ मैं दोबारा से, और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कर
इस तरह से हम एक मंडाला क्रिएट किया है और ऑल्ट शिफ्ट के साथ यहाँ पर मैं एक सर्किल बना लेता हूँ और इसको मैं कलर कोई भी दे देता हूँ। फिलहाल इसके स्ट्रोक हटा लेते हैं तो ये बन चुका है करीब, नाउ यू कैन सी। ठीक है जी, अब इसमें आप कलर वगैरह जो भी फिल करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देता हूँ और इसके स्ट्रोक को भी यहाँ से बढ़ा देते हैं, वेट इसका 2 पॉइंट, इसके स्ट्रोक का भी मैं 2 पॉइंट किए दे रहा हूँ, इसको भी। इसको भी या आप इसको 1.5 भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका कलर चेंज करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ ब्लू। इसका भी कलर मैं ब्लू ही दे रहा हूँ, इसका कलर में कुछ थोड़ा डिफरेंट बट सिमिलर टू ब्लू, फॉर एग्जांपल लाइट ब्लू और पर्पल लाइट ब्लू। यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और इनका भी कलर चेंज कर लेते हैं। इसको आप अरेंज कर लीजिए, ब्रिंग टू फ्रंट कर लीजिए ताकि ये ऊपर आ जाए, और इसके कलर को भी चेंज कीजिए। इन तीनों के कलर को भी मैं सेम रखता हूँ, इसको मैं फिर से लाइट कलर दे देता हूँ थोड़ा। तो दिस इज मंडाला विच हैव क्रिएटेड इजिली इन एडोब इलस्ट्रेटर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आप भी एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं मेरी वीडियो। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बाय।